जो आदमी बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है, जिसकी आध्यात्मिक बचपन से प्रवृत्ति नहीं रही, जो ऐब ही करता था और जिसके ऐब वहाँ पे उस एरिया में मशहूर है, जिसपे भगवान जिसपे प्रशासन ने भी ऐसी धारा लगाई जो केवल उन लोगों पे लगती है जो देश के हित में काम नहीं करते हैं, वो मानव के हित में कैसे काम कर देंगे। एनएसए की धारा होती है, जो राष्ट्रद्रोह की धारा होती है, जो देश के हित में नहीं है वो मानव के हित में कैसे होगा। मैं अपना नाम भगवान के नाम पे रख लूं, ठीक है, उसने अपना नाम करौली शंकर महादेव रख लिया, मैं अपना नाम भगवान के नाम पे रख लूं, क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सारे मरीजों को देखने लग जाऊं। आपके पास आपके 1,51,000 रुपए की कोई पर्ची तक नहीं है, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, यहीं से बता दिया मैंने, नहीं है ना। और आप दे आए और आप कुछ नहीं लेके आए वहां से, एक डब्बा दिया होगा और ये कहा होगा जाते ही ठीक हो जाएगा। फिर अब वो वहां आया, वहां कुछ रहा नहीं है, बोला जब ठीक हो जाएगा तो मैं पैसे डबल करके नहीं भेज दूंगा भाई तेरे को, मेरा भी यकीन कर ले तो ठीक कर दे। हाँ या नहीं? चेक किया, जैसे हम लोग चेक करते हैं इस महिला को कुछ है कि नहीं है, भाई गौतम भैया को बुला के क्या बोलो, भैया बाहर अंदर बुला रहे, अभी चेक करा देते हैं कि उनको हमारा कुछ है कि नहीं है, अभी आपके सामने चेक कराएंगे उनकी, वो निकालिए फोटो निकालिए। कोई क्यों ना होगा भाई, वो पैसा खींचेगा केवल लोगों से। सबसे बड़ी बात ये है, पता नहीं किस किस के साथ मिला हुआ है, किस किस को साथ मिलाया हुआ है। गौतम भैया इनको देखिए जरा, क्या नाम है बहन जी का? संतरा को देखिए, कहाँ रखी रहने वाली है, पति का नाम बताइए साथ में। राम स्वरूप टटवाल। गोत्र है ना टटवाल? हाँ। राम स्वरूप टटवाल रहने वाली कहाँ की है? गाँव फड़ौती। फड़ौती गाँव राजस्थान। तुम्हारा भी सेम गाँव है अलग? हमारा थोड़ा दिन से दूर है। अरे तू यही बैठा था, हमारी हाय पत्नी लगी नहीं, और डॉक्टरी है तो हम ऐसे पैसे नहीं लेते ना, ऐसे व्यक्ति की कोई क्रिया कराते, क्रिया कराई आपने इसकी ना? बस दीपदान किया है, दीपदान बताया। अच्छा पहले ही चेक कर, उन्होंने भी बता दी। हाँ ना, उन्होंने तो ये बोला था कि ऊपर की समस्या है, दीपदान करो, पितरों की समस्या है पर भूत प्रेत नहीं है, उसके लिए आप सब दीपदान करो बस। दीप पितरों की समस्या भी बहुत ज्यादा हल्की, मतलब इतनी हल्की जिसका कोई वो नहीं। अगर वो क्रिया बताता आपको तभी भारी मानते हम। उन्होंने क्रिया नहीं बताई उन्होंने, तो फिर आइडिया लगाओ कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो तू तो आ ही रहा है, तुम्हारी तो इतनी बड़ी समस्या हल हुई है, यहाँ हम फरोड़ नहीं कर रहे हैं और तुम्हें ये बात सब पता है, लेकिन कौन फरोड़ कर रहा है, कौन जनता का विश्वास ठक रहा है, ये जनता जानना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1,51,000 रुपए की पर्ची कोई दी है आपको? तो ये कौन नहीं देता है, ऐसा काम कौन करता है कि आपके इतने पैसे लूट लेता है, ठग लेता है, अपने संदूक में रख लेता है और आपको कुछ देता नहीं है। पूरे दिन में मेरे पास चल के आने वाले वहां से कई कई आदमी होते हैं, समय ही नहीं मिलता, मैं समय हमारे पास भीड़ इतनी होती है, समय ही नहीं मिलता, हमें हर रोज काम करना होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो इतनी बड़ी जालसाजी करते हैं, पर्दाफाश सरकार को करना चाहिए। ये फिर इतने आगे चले जाते हैं, इतनी आगे चले जाते हैं कि ये हाथ नहीं आते, ये प्रशासन में ही दखल देने लगते हैं उल्टा। ठीक है, लोग इनको गुरु वरिया मानते हैं, ये अपना नाम भगवान के नाम पे रख लेते हैं, लेकिन अंदर से तो वो कमीनापन कहाँ भेजोगे, जो कभी भक्ति से ही सरलता मिलती है, बिना भक्ति के कभी सरलता मिलती नहीं है। ये ऐसे नुकीले कांटे हैं जो जनता के पैरों को घायल करते रहते हैं, और कितना घायल किया आप बताइए। कोई गरीब आदमी होता है, उसकी पत्नी ऐसे बीमार होती है और वो 1,51,000 रुपए दे के आता, उसका क्या हाल होता? एक बाहू जी आए थे परसों, उसने उसकी पत्नी ने कमा कमा के दूसरों के धान काट के गेहूं काट के वो जो करौली में देके आई, कानपुर में लुट के आई, ठक के आई, ठीक है, पूरे पैसे अभी तक तारे नहीं है, उसमें भी 5,000 रुपए या 7,000 रुपए बाकी थे। वो वीडियो में देखना क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो, और दुनिया जब ध्यान से सुनेगी देखेगी कि ऐसे निकम्मे व्यक्ति को कैसे पसंद कर रहे हैं लोग, पसंद नहीं कर रहे हैं, बस ये सोच के कि मेरा बीमार है क्या पता क्या कर दे, भगवान के नाम पे नाम रखा लिया। सरकार ने तो आज तक यही संज्ञान नहीं लिया है कि ये शंकर महादेव कैसे बन गया भाई,
किसी को नहीं पता है, वो भगवान का नाम रख लिया अपना ही नाम। ठीक है, वो जो जालसाजी करता था, ठगी करता था, जिसने सारे ही ऐब किए दुनिया में, कोई ऐब हो ही नहीं सकता जो ना किया, वो व्यक्ति ऐसे भगवान का स्वरूप लेके धारण करके एकदम से अवतार बन के कहां से आ गया। ये जितने अवतार बन रहे हैं कि मैं कबीर का अवतार हूं, मैं ये पूछो, ये ससुरे सगरे टट्टी जाते हैं उसमें दुर्गंध आती है, बाथरूम करते हैं उसमें दुर्गंध आती है, भगवान के अवतार कैसे हो गए, कहां से हो गए। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि उसमें काल की आत्मा आई। अरे भाई, काल की आत्मा आई, काल ने ये बताया, वो भगवान थे ही नहीं। अच्छा भाई, तो तुम भगवान, जब कृष्ण अवतरित हुए तो ब्रह्मा जी तक यहाँ आए अपनी पूरी सेना लेके, अपने पूरे साथी लेके, और उनकी परीक्षा ली। भगवान शंकर उनके दर्शन करने आए, शनिदेव महाराज पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता, 11 वर्ष की अवस्था में कंस और चानूर जैसे दिक्कत, बाहुबली जिनकी भुजाएं इतनी मोटी होती थी, जो मल्लयुद्ध में पारंगत थे, वे दोनों भाइयों ने डा दिए। तू डा लेना किसको डाए, और उनके कोई दांत नहीं टूटे थे। भगवान कृष्ण की देह से पद्म गंध आती थी, वर्णित है पुराणों में बकायदा। और तुम इतने ज्ञानी हो गए कि तुमने क्या कहते हैं हमारे व्यासदेव भी फैल कर दिए, वेद व्यास जी भगवान फैल कर दिए, तुमने तो महर्षि वाल्मीकि फैल कर दिए। ठीक है, जिन्होंने सब कुछ पहले ही लिख के रख दिया था। और वही कबीर दास के बाद, अगर कबीर दास जी तो ज्ञानी थे, 40वें वर्ष में ज्ञान क्यों उतरा, फिर बचपन से क्यों नहीं उतरा, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, फिर वो उस अवस्था में क्यों आया। अरे भाई, जिसकी कड़वी मेहरबानी होती है ना, लठ लगते हैं, उसको अपने जीवन में सब कुछ आ जाता है, वो चलता है, वो आदमी धुरी पे। मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं कबीर दास जी ने, बहुत उसी की भाषा में जो उस समय बोली जाती थी, आज नहीं बोली जाती थी इस भाषा में, कबीर दास जी ने लिखा है, उसकी दोबारा हिंदी करनी पड़ती है, वही भाषा में आप समझा नहीं सकते किसी को भी, दोबारा हिंदी करके अपने शब्दों में बताते हो। और फिर कबीर दास जी का जो ज्ञान है, आप पे भी तो कुछ ज्ञान उतरा होगा, आप सीधा नया ज्ञान दीजिए ना। कबीर दास जी ने तो नहीं कहा मैं अवतरित हूँ, या मेरे 5 अवतार हुए हैं, मेरे 6 अवतार हुए हैं, लोगों ने आइडिया लगाया है उनकी वाणी से, आप भी अपनी वाणी में कह गुजरो, लोग अपने आप आइडिया लगा लेंगे नहीं। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग लुच्चे और लफंगे भगवान के अवतार बन रहे हैं अपने आप ही, अपने आप ही, अपने मल के पास आधा घंटा नहीं बैठ सकते, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इतनी बदबू आती है सालों में से। फिर ये पता नहीं सुअर की औलादे कहां से आके भगवान बन गई, अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहा, फिर जब ये जेलों में जाते हैं तब संज्ञान होता है, तब लोग जान पाते हैं इनको, अरे ये भगवान बना बैठा था, अरे अवतार बना बैठा था। और इतना बल लगाते हैं ना अपनी बातों को बताने में, इतना बल लगाते हैं, लोगों को कैसे फंसा लेते हैं, लोग कैसे हवाई हवाइयां हो जाती हैं, ऐसे बताते हैं, इतने चमत्कार कर दिए मैंने, इतना ये कर दिया मैंने, मेरी ये पुस्तकें पढ़ो, अरे लिखा क्या है भाई तूने, यहाँ का उठाया वहां पटक दिया, वहां का उठाया वहां पटक दिया, वहां का उठाया वहां पटक दिया, तुम सबूत दिखा रहे हो, किस बात के सबूत दिखा रहे हो, भगवान कृष्ण में और तुम्हारे में समता है। ठीक है, मैं जब मानूंगा, जब तुम खुद मर के और फूल के रूप में विस्तृत हो जाओ। अरे जिसके जन्म का ही नहीं पता था, कबीर दास जी के जन्म का नहीं पता, हमने मान लिया वो अवतरित हुआ। अरे भाई, तुम्हारे तो जन्म का पता है, तुम तो जब जन्म तुमने लिया था, तुम्हारे मुंह में तो टट्टी पेशाब भी घुस गया था, पर तुम भी कहां से अवतरित हो गए भाई। हाँ जी, तुम तो गर्भ की नाल में लिपटे हुए थे, तुम काल से बाहर कैसे आ गए एकदम से। भाई, ब्रह्मा जी का काल है, विष्णु जी का काल है, और इन सबको काल खा रहा है, शिव जी का काल है। अरे भाई, देख कौन पा रहा है, यूं तो बता दो, तुम्हारा दादा देख गया, तुम्हारा परदादा देख गया, तुम्हारी 70,000 पीढ़ियों ने देख लिया किसी ने, कमाल है। अरे मेरे को बता दो, आगे और तुम्हारी कौन सी पीढ़ी देख लेगी कि आज ब्रह्मा जी गिर के मर के और गिर पड़े। ठीक है, आज विष्णु जी चले गए, कौन देखेगा। तुमने मान लिया काल है, बस तुम्हें किसी ने बता दिया काल है, बस काल के दायरे से बाहर कौन हुआ है भाई, नहीं हुआ। तो जो हमारा भगवान है उसका कभी काल नहीं आता, क्योंकि वो महाकाल आगे ना, जो हमारे इष्ट है उनके काल का है, वे महाकाल हैं, वे कालों से परे हैं। आप कुछ ग्रंथ पढ़ के ये सोच रहे हैं कि भाई आपने तो सब कुछ ही पा लिया, अरे सब कुछ पा लिया, आप अवतरित भी हो गए, मैंने मान लिया, भगवान कृष्ण की देह से पद्म गंध आती थी, आ गया ना, उनको पानी पीते तक नहीं देखा कभी किसी ने। ठीक है, केला खाते भी यूं कि जब कोई आगे से भोग देगा तभी खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे, खाते हुए नहीं देखते थे। हाँ, माखन खाते हुए दुनिया ने देखा उनको, मिश्री माखन खाते थे,
तो फिर इतना मिश्री माखन आज के युग में किसी को खिला दो, 10 दिन में शुगर हो जाएगी, फट जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, हैं ऐसे माटी खा रहे हैं सवेरे से लेके दोपहर तक। यशोदा माई आई, मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड दिख गया। हैं भाई तुम भी तो मुंह खोल के दिखाओ, तुम्हारी उस काली कलूटी जीभ के अलावा कुछ दिखता है तो? हैं दिखता है तो? अरे जिस स्त्री की ऐसी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति आया अपनी व्यथा में कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वो पहले ही दुखी है, तुम उससे पैसे ऐंठ रहे हो, कमाल है यार। संसार भी अजीब ही है, देखो संसार भी अजीब ही है, देने वाले भी अजीब ही है। क्या सोच के ये सोच लेते हैं कि इस आदमी के यहाँ मेरी मंशा पूरी होगी, कि वो सारे रोग दूर करता है? ऐसा काला कलूटा आदमी खड़े खड़े कहता है, एक आदमी एक बच्चा कहता है, जी मुझे सपने में भला भला चीज दिखाई देती थी, दिन में आंख बंद करवा कहता है देख निकाल दी, अब आंख बंद कर क्या वो दिखाई दे रही है? अब एक गधे वो सपने में देख रहा था, और वो आदमी कहता नहीं अब तो नहीं दिख रही, अब गधे वो सपने में देख रहा था भाई, सपने में नहीं। आज का आदमी तैयारी करता नहीं, सीखता नहीं एक पल, और उसको चिंता हो जाती है फैलाने की। ये बच्चा एक जगह जाके सेवा करके आ रहा था, इसमें चीज थी दूसरी मलिनता थी, और बता दिया ये कि तू तो सिद्ध पुरुष है भाई, तेरे पे तो हनुमान जी आ रहे हैं, ठीक है ना, और इस संज्ञान के सहारे इससे काम करा दिया बेचारे से, बताओ क्या बताओगे आप? इसके साथ छल हो रहा था, इसका जीवन बहा जा रहा था, बताइए। और मैं इन बाबाओं को कहता हूं कि इनसे कभी भी एक भूत ना निकले, एक भूत अंश मात्र भी। तुम्हें मेरे बच्चे ने जो 2 साल से मेरे पास आ रहे हैं, 1 मिनट में कह दिया कि कुछ नहीं हुआ होगा, तुम 1.5 दे आओ, उसको जाके पूरे घर का धन दे आओ, उसको जाके कानपुर के नाम अपनी सारी जमीन कराए आओ, आगे ना। अगर कुछ भी हो जाए आपके घर में, कुछ भी परिवर्तित हो जाए, वो ऐसे हाथ खोल के चरण चरण करके आपके पितरों को अंदर समेट लेगा। एक का भी पितर ठीक हो जाए तो मेरे को आके बता देना, ठीक है। 10-20 लफंगे जोड़ रखे हैं ससुरे ने, और कुछ है ही नहीं उसके पास, इतने जूते मारे हैं ना मैंने उसको, उसके गुरु को है, उसकी गुरु माँ को जिसको बोलता है, काले रखेलों के ही गुलाम रहे, आया समझ में? इनका कोई काम ही नहीं था। अरे आपके साथ कोई महिला रहती है, आपका क्या संबंध है उससे? कोई तो पूछेगा ना संसार में, है आपकी वो पत्नी नहीं, फिर उसने पूरी उम्र आपके साथ क्यों बिताई? बोलो, आप पूछ रहे हो तो उसको क्यों पूछ रहे हो भाई? उसका क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है वो? लेकिन वे हो गए, क्या कहते हैं, माता वो और भगवान शंकर हो गए, और फिर खुद का भी नाम भगवान शंकर रख लिया। भगवान शंकर बार बार अवतरित होंगे वहीं करौली कानपुर में ही होंगे, और कहीं जगह मिल नहीं रही भगवान शंकर ने। अच्छा भगवान शंकर को भी देख लो, है कि नहीं? बस वहां तो हुए गोरे, कर्पूर गोरम, सारी दुनिया गारी आ गई, एक ही भजन गारी है ना, कौन सा गारी है? शंभो शिव शिव शंभो, ऐसे ऐसे भजन गा रही है तुम, और कर्पूर गौरम कह रही है करुणावतारम, और इतना सुन रही है कुछ हजन। लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ अब कौन कहेगा कर्पूर गौरम? शंकर महादेव नाम रख दिया है, कर्पूर गौरम कैसे कहोगे? कोयला कालम कहोगे, कोयला कालम कानपुर विराजम है। हंस क्यों रहे भाई? ठीक ही तो कहा है, कहा कोयले से निकाल, साला भैंसा है भैंसा, और भैंसों को भी भैंसा मल है, हाँ, और भैंसे को भी शकल देखने के लोग पैसे देके आ रहे हैं, पता नहीं भाई क्यों देके आ, मुझे समझ में नहीं आया, ये जनता का दिमाग गड़बड़ाता है। बोला भाई हाथ उठा, गधा देखा कभी? बोला जी देखा तो नहीं है, पर देखने की मन में आती है, मेरा है शहर में पैदा हुआ, इसको गधा देखने को ना मिलता होगा, गधा गधा मिलता होगा, लेकिन लोगों की भावना। बोला जी हाँ मन में तो आता है ऐसा विचार, अच्छा तो जा गधा दे के आइए, उसको ब्रेड खिला के आइए, तेरा तो जैसे गधे के ऊपर ही सब कुछ रुक गया भाई। अरे वो गधा नहीं है, गधे हम हो चुके हैं जिनको यही नहीं पता, अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं पता, ये व्यक्ति क्या था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है एक आदमी पापाचारी था, वो कभी भी पाप छोड़ के भगवान की शरण में आ जाता है, हमने भी बहुत सारे पाप किए होंगे, छोड़ दिए भगवान की शरण में आ गए, लेकिन उस दिन से भगवान की शरण में ही तो हैं, अलग कहाँ गए।
ठीक है, एक भी सबूत बताओ और कौन से दिन जिसे उसका नाम स्मरण नहीं किया ये बताओ, और हर रोज काम करते हैं जनता के बीच में बैठते हैं ये बताओ, और संसार के बीच में सबके सामने ये बताओ, बताओ तुम्हें आते क्या साल हो गए भाई? हमें तो यहाँ पे कम से कम 4-5-6 साल हो गए। 6 साल में तुमने किस दिन ऐसा पाया कि मनु भैया जी ने बंक मार दिया मेरी आज की छुट्टी है? ना हमेशा यही मिलता है। तो मायूस लौटे हो कभी? ना आज तक नहीं। दिन दिन मेरे निश्चित समय पे आते थे या अपने निश्चित समय पे आते थे? अपने निश्चित समय पे। हमने भी तो ऐसा ही पाया होगा मेरे बच्चों। अब ये एक बात बताओ, ये जोड़ी वहां चली जाती, ये लुट के छक के आ जाती वापिस, क्या करता भाई वो तुम्हारा, क्या करता जब वो चीज को छेड़ ही नहीं पाता, बंधन तक नहीं खोल पाता? वो बंधन खोलता नहीं है, एक्टिंग पूरी करता है ना, बंधन दे देता भाई ये रहा भाई ये धागा रहा भाई ये धागा। ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान दो, मुंह के दांत वे गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, आप खुद काल की गति में हो, काल से परे की बातें करते हो, तो जो काल की गति में काल से परे की बातें करे गलत है ना, जो काल की गति से बाहर है, कबीरदास जी काल की गति से बाहर हो गए थे, हमेशा ब्रह्म में मग्न रहते थे, निमग्न, आंखें ऊपर चढ़ी रहती थी और मुंह से ब्रह्म ज्ञान ही बरसता था, और वो उसी भाषा में बरसता था जो भाषा उस समय बोली जाती थी, गुरु नानक जी उसी गति में थे, ठीक है ना, उसी ब्रह्म की गति में रहते थे, कालातीत अवस्था में रहते, जब वो कालातीत अवस्था में रहते थे, काल की अवस्था से परे रहते थे, वो कुछ कहे मान ली आगे ना, लेकिन ये जो मानव पृथ्वी लोक पर है, जब ये ध्यान और समाधि में जाते हैं, समाधि में भी जाते, कितनी बड़ी बात बता, निर्विकल्प में, निर्विचार में, जब इन समाधियों में भी जाते हैं, तो होता क्या है कि वहां पे उस समय ना तो मन होता है और ना प्राण होता है समाधि में जाने पर, लेकिन एक समय ऐसा आता है, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, कि समाधि भंग हो जाती है, उसमें उत्थान आ जाता है, और जब वो समाधि भंग होती है और जैसे ही वो नीचे आता है, तो जो उसने समाधि में ईश्वर के स्वरूप देखे हैं, उस ब्रह्म के स्वरूप देखे हैं, उस आत्म स्वरूप को देखा है, पहचाना है, जाना है, तो जब वो अपनी जिज्ञासा से उसका वर्णन करता है, उसमें मलिनता आती ही आती है, क्योंकि हमारी बाह्य वायु वक्र है, उसमें मलिनता है, इसलिए मनु भैया ओम नमः शिवाय ओम का जाप देते हैं, और इसने भी धीरे धीरे ग्रहण कर लिया वही ओम नमः शिवाय ओम, इसकी कई वीडियो में आने लग गया ओम नमः शिवाय ओम, अब इसके पास काम तो कोई रहा नहीं है, अब इसने चूंकि वो हवन वाला भी गोला भर के और वो सामान देना शुरू किया था, तो इसको पता चल गया था ये यहाँ की क्रिया है, एक लड़की को 3 दिन भेजा यहाँ पे ना, तो ये तो क्या कहते हैं महिलाओं को उसमें नहला के, क्या कह उसमें तालाब से में नहला के, और तब भूत निकालता था, इसकी पुरानी वीडियो आज भी पड़ी होगी, कोई ना कोई देख सकता है, वैसे मैंने तो बहुत सारी सेव कर रखी है गैंडामल स्वामी की इस तरह से, तो वो जब अवस्था कटती है तब भी, लेकिन जो कालातीत यानी कि काल से परे, वो संज्ञा किसकी थी? गुरु नानक जी महाराज की। मैं ये नहीं कह सकता वो बाकी दशम गुरु की हुई, क्यों क्यों नहीं हुई होगी मैं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने त्याग और तपस्या के अलावा बहुत सारे दैनिक कार्य भी किए, हमारी जनता को बचाया, हिंदू धर्म को बचाया, और अपनी तलवारें हमेशा उठाए रखी, इसलिए वो ब्रह्म की उस अवस्था में सदैव नहीं रह पाए न जम पाए, आया समझ में? तो ये बात बहुत गंभीर कही है मैंने, कोई इसका बुरा मत मान, किसी को ये लगे मैंने गलत बोला है, ठीक है, तो वो ये समझे कि हो सकता है मैं इस बात से भी अनजान हूं कि बाकी नवम गुरु कैसे थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो तलवार चलाएगा दिन में वो ब्रह्म की उस अवस्था में रह नहीं पाएगा, ये वो थोड़ा भान कर ले, जान ले। लेकिन और एक बात, मैं तो सभी का आदर करता हूँ, गुरु नानक की इसलिए दिव्य आंखें थी, यानी कि उनकी जो भी तस्वीर पिक्चर बनाई जाती है उनकी आंखें ऊपर की तरफ चली हुई मिलेंगी आपको, जो ब्रह्म ज्ञानी की सदैव ब्रह्म में मग्न रहने वाले की, जो सदैव उस सहज अवस्था में थे जो केवल ब्रह्म वाली अवस्था है, ब्रह्म अवस्था है, ब्रह्मावस्था है, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि है ना, और इसलिए वो सो हम मैं ही सब कुछ, मैं ही शिव स्वयं, तो उस अवस्था में रहते थे, लेकिन जो आज के हैं उनका क्या, वो मान लिया समाधि में भी चले गए किसी, तो काल से परे कहाँ हुए, काल से परे वाला काल की बात करे तो जान ले कि वो ब्रह्मा जी की आयु जान के आया, तू तो सुन रहा है भाई, ठीक है ना, ना तो तेरे सामने मरेंगे ना तेरी किसी पीढ़ी वाले के सामने मरेंगे, तो सोचता है तेरा अमर ज्ञान है,
तो पहली बात तो ये है, 3 दिन तक एक ही तहखाने में रह, रोज खा, ठीक है ना। और टॉयलेट की सीट नहीं होनी चाहिए वहाँ, और पानी नहीं होना चाहिए। मैं देखूँगा तू क्या दिन रहेगा, मैं जानूंगा तू कौन सी ब्रह्मावस्था में आ गया। क्यों जी? नहीं, शरीर से दुर्गंध आ रही है, दांत टूटे जा रहे हैं, बूढ़ा हो गया, सर गंजा हो गया। मैं ब्रह्म हूं, मैं अवतरी तुआ हूं, मेरा अवतरण हुआ है, ठीक है। 24 घंटे बिना पादे नहीं रह सकता। हाँ, उस 24 घंटे में भी 100-200 पाद मार ले गद्दी में बैठा बैठा, भाई तू ब्रह्म ज्ञानी हो गया, कमाल की बात है। ये अच्छी बात है, संसार तो जो है भटक ही रहा है पूरे का पूरा टोटल। कैसे कैसे, मेरा देखो पसीना आ रहा, बदबू भी आएगी हाथों में भी बगलों में भी, यार कमाल की बात है। इसलिए मनु भैया केवल मानव है साधारण, ठीक है, उन्हें भगवान बनना ही नहीं है। और सुनो, जितने ये भगवान बने फिरते हैं ना, इनके यहाँ आज तक इतने आदमी ठीक ही नहीं हुए जितने मनु भैया के यहाँ ठीक। ऐसा है, जितने भगवान बने महाराज की भगवान कृष्ण की ओर करते हैं। कुब्जा पे ऐसा हाथ फेरा जो बिल्कुल कुबड़ी थी, तुम एक को ठीक करके दिखा दो सारे संसार के सामने, मैं मान जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, लेकिन उस कुबड़े आदमी को ढूंढ के, वो तुम्हारा नहीं होगा। कभी तुम यूपी के किसी आदमी की खरीद के लाओ, कमर मोड़ के अन्न सीधा कर दो, सालों का भरोसा कुछ ना है जी, सारे नकली और डुप्लीकेट है, ठीक है, आए ना समझ में। फिर यूं करके किसी ने बैठा दे का पितर देवता, और फिर उसे सीधा कर दे, और चल चल हो, और भाग 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 दौड़, ठीक नहीं। मसीह के नाम पर रोजाना चमत्कार करते हैं लोग, तो सारे लंगड़ों को क्यों ना चला देते भाई। अरे मसीह तो शक्तिशाली है नाम सारे, आपको जबरदस्ती किसी को मसीह बनाने की जरूरत नहीं। मैं लिख के देता हूँ एक रात में, सारे अंधों को मसीह का नाम सुना के समाखे कर दो, सारे बैरों और कानों को ठीक कर दो, ठीक है, सारे लूले लंगड़ों को ठीक कर दो, फिर तुम्हें कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, वो अगला अपने आप पा लेगा सवेरे, मेरे को तो मसीह ने ठीक किया है। हे मसीह, जय मसीह, जय मसीह, तेरा ईश्वर कौन, वो मसीह कहेगा, ठीक है, जो जिसको ठीक करता है। अरे मैं साधारण सा मनु भैया, मेरा हाथ पकड़ के लोग नहीं छोड़ते, ठीक है, मुझे ही रोजाना किसी किसी आदमी से कह के भाई तू मेरे 2 गाली दे ले मेरे को एकांत में, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अपमान कर ले मेरा, पचा रह जाएगा। लोग भगवान बना के छोड़ते हैं। मेरे को तो पता चला एक आदमी गंगा के किनारे मेरी तस्वीर रख के 2 अगरबत्ती जला रहा है, मेरे इतना गुस्सा आया भाई, हो अगर सामने आ गए, मैं तो मेरे भगत जो मैंने भगवान बन के पूछे हैं, ससुरे किसी न किसी तरह 2-4 रेपटे मार के उसकी नज़र में ऐसा गिर जाऊं कि वो मेरे को भगवान बना ही ना सके कभी। पता चले मेरे को भी यही रख लिया, ठीक है, मैं भी जो है ना जिंदा था थारा बाबा हुई, मरने के बाद भी थारा बाबा, ठीक है, थारे बच्चों के भूत काट दूं, हाँ, मेरी तो कदम मुक्ति ही ना हो फिर भाई, मेरा तो काम ही उल्टा कर दोगे तुम सारे के सारे। मैं तो जो मेरे पास बच्चा भी अच्छे से सीख के जाता है ना, उसको 2 थप्पड़ मार दूं। अब ये ससुरा मेरे को कहीं ना कहीं तस्वीर लगा के 2 अगरबत्ती लगा के पूछेगा, अब फिर भगवान कह रहे हैं यही रह जाऊंगा मैं तो, गीता का सार, ठीक है, मुझे क्या जाने देंगे, मैं चालता चालता सारी सबकी पिटाई करके जाऊंगा ताकि तुम ने मानना भूल जाओ। क्यों जी, क्यों राहुल बाबू, मेरा काम ये है भाई, ऐसे ना तो तुम पूछ लोगे यही होता है और क्या होता। चलिए बोलिए शंकर भगवान जय। इसका मतलब, इसका सार ये था, इसका सार ये था कि आप कहीं भी जा रहे हैं पहले ध्यान से देखें क्या वो पैमाना सही है या वो पैमाना अच्छा लगता है, ठीक है, क्या वो भगवान के बारे में कृष्ण के बारे में जो कह रहा है क्या वो गलत है। अरे आप स्वयं बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने संस्कृत में बोला है और उस समय की भाषा ही संस्कृत थी, और कितना तोल के बोला है। आप कह रहे हैं काल आत्मा आ गई, भगवान के शरीर में घुस गई, वो काल न पहले आया न बाद में आया, वो उसी समय आया। भगवान ने अपना विराट विकराल रूप दिखाया तो क्या चतुर्भुज रूप धारी नहीं थे, क्या उसी समय अर्जुन को दोबारा चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया और नहीं दिखा के शांत किया। लेकिन ये कमीने एक बात बताएंगे और एक ही बात लोगों के दिमाग में छाप देंगे, ऐसा तो वो भगवान ही तो थे जिन्होंने फिर चतुर्भुज रूप दिखाया सुदर्शन चक्र धारी की। अब तुम्हारी मैं कहता हूं 70,00,000,00,000,00,000 और जितनी संख्या मुझे नहीं आती, 70,000,00,00,00,000,00,000,00,000
उतनी संख्या में भी तुम्हारी पीढ़ियां पैदा होंगी तो भी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का काल कभी नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वे स्वयं ही महाकाल। तो शंकर भगवान जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।